हे आदिशक्ति, हे ममता की मूरत, तुम तो सबकी मुरादे पूरी करती हो। आज तेरा ये बेटा तुझसे हाथ जोड़कर ये कहता है कि मुझे सत्य की राह दिखाओ माँ। मेरे मन में बरसों से कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मुझे उनका उत्तर दो माँ। यदि मुझसे कुछ भूल हुई है तो अपना बेटा समझकर मुझे माफ कर दो, पर मुझे अपनी सत्य की पहचान दो। मुझे दर्शन दो माँ, मुझे दर्शन दो। मैं रोज तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ और तू है कि मेरी सुनती नहीं। आज तो तुम्हें मुझे दर्शन देने ही होंगे, वरना मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। उठो वत्स, आंखें खोलो। माँ, आप सचमुच आ गई। माँ, मैं धन्य हुआ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ पुत्र, देखो मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपका दिया मेरे पास सब कुछ है माँ। आपके प्रति मेरे प्रेम को इतना स्वार्थी न समझो माँ। मैंने आपको ही अपना सर्वस्व माना है। मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, किंतु मेरे मन में बरसों से जो प्रश्न उठ रहे हैं, मुझे उसका उत्तर चाहिए माँ। मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, ज्ञान की तलाश में दर दर भटका हूँ, और अब मुझसे नहीं भटका जाता माँ। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर केवल आप ही दे सकती हैं। पूछो वत्स, तुम क्या जानना चाहते हो? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं स्वयं दूंगी। माँ, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? जब महिषासुर ने देवी देवताओं को बंदी बना लिया था, तब भगवान शिव ने आदि शक्ति को प्रकट किया। वो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी और अष्ट भुजाओं वाली थी। उसने ही महिषासुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध कर देवी देवताओं को मुक्त कराया। मैं वही आदिशक्ति हूँ। मेरी उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। प्रकाश अर्थात निराकार परमात्मा शिव। मैंने अपनी सारी शक्तियाँ परमपिता परमात्मा शिव से ही प्राप्त की हैं, इसीलिए मुझे शिव शक्ति भी कहा जाता है। मुझे ही भक्त जन लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और काली आदि रूप से याद करते हैं। दुर्गा अर्थात दुर्गुणों का नाश करने वाली। मेरा काली रूप विकराल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति का प्रतीक है। उमा अर्थात सब में उमंग उत्साह भरने वाली। वैष्णव अर्थात विषयों को मिटाने वाली। संतोषी अर्थात सर्व को संतुष्ट करने वाली। लक्ष्मी अर्थात ज्ञान एवं गुण रूपी संपत्ति की धनी। और सरस्वती अर्थात ज्ञान वीणा सुनाने वाली। आपका इतना सुंदर परिचय प्राप्त कर मैं धन्य हुआ माँ, किंतु आपका स्वरूप अन्य देवी देवताओं से भिन्न क्यों है? पुत्र, मेरी 8 भुजाएं मेरी 8 शक्तियों का प्रतीक है। अब मैं तुमको मेरी 8 शक्तियों के बारे में बताती हूँ। स्वदर्शन चक्र से अभिप्राय है सदा स्वयं की कमजोरियों का दर्शन कर उन्हें नष्ट करना। मेरा त्रिशूल मन, वाणी और कर्म द्वारा इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने की निशानी है। मेरा शंख परमपिता परमात्मा शिव द्वारा सत्य ज्ञान का नाद करने का प्रतीक है। तलवार अर्थात ज्ञान तलवार के प्रयोग से ईर्ष्या, द्वेष और वासना जैसे असुरों को काटना। और धनुष बाण का अर्थ है लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर पुरुषार्थ करना। जीवन रूपी संघर्ष में माया से युद्ध कर उस पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक गदा है। कमल पुष्प अर्थात कीचड़ जैसे संसार में रहते हुए भी कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा रहना। ज्योति अर्थात सदा आत्मिक ज्योति जागी रहने का प्रतीक है। धन्यवाद माँ। भारत में नवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अतः अब मुझे नवरात्रि के विषय में बताएं। नवरात्रि में किए जाने वाले कर्म कांड का क्या उद्देश्य है?
नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश बुराई पर अच्छाई की विजय और जीवन को दिव्य शक्तियों से सुसज्जित करना है। नवरात्रि में लोग सर्वप्रथम कलश की स्थापना करते हैं। परमात्मा शिव इस कलयुगी रात्रि में आकर भारत की माताओं के बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान अमृत भरकर उन्हें शक्ति स्वरूपा बनाते हैं। तभी तो शास्त्रों में ज्ञान अमृत का कलश माँ लक्ष्मी के सर पर दिखाते हैं। इसके पश्चात भक्तजन दीप प्रज्वलित करते हैं एवं जागरण भी करते हैं। तो दीप जगाना अर्थात अपनी आत्मिक ज्योति जगाना। जब मनुष्य देह अभिमान से न्यारे होकर आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करते हैं तो जागरण अर्थात आत्म जागृति आती है। फिर साथ ही मनुष्य व्रत नियम और उपवास भी करते हैं। तो व्रत अर्थात विकारों का व्रत और उपवास अर्थात ऊपर में वास, जिसका अर्थ है बुद्धि द्वारा ऊपर रहने वाले परमात्मा को याद करना। पर माँ, मनुष्य तो इन बातों से अनभिज्ञ है, फिर इन सब कर्मकांड से उन्हें क्या लाभ मिलेगा? देखो वत्स, इन त्योहारों को मनाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक रहस्य भी हैं। नवरात्रि में मनुष्य अपनी मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का संचय करते हैं भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा। यही दिव्य शक्तियाँ पृथ्वी को संतुलित बने रहने की ऊर्जा प्रदान करती है। नवरात्रि के त्योहार मार्च और सितंबर में मनाए जाते हैं, जो संधि काल के मास हैं। इन मास में प्राकृतिक परिवर्तन होता है, जिस कारण से मनुष्य के तन और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु परिवर्तन और सौर ऊर्जा के प्रभाव से मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्तर परिवर्तित होता है, जिससे मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए मनुष्यों ने इन त्योहारों का निर्माण किया है, जिससे उमंग उत्साह में रहकर मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसके साथ ही ऋतु परिवर्तन के समय रोगाणु आक्रमण की संभावना बढ़ती है, अतः संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य उपवास एवं रास गरबा करते हैं, जिससे उनके शरीर का शुद्धिकरण होता है। यह सब रहस्य समझा कर तो आपने मुझे भाव विभोर कर दिया माँ। अब मेरे इस अंतिम प्रश्न का उत्तर भी दें, क्या आपने सचमुच महिषासुर का संहार किया था? क्योंकि मेरी समझ से तो जीव हत्या पाप है, और यदि पापी का नाश कर भी दिया जाए तो यह फिर से पुनर्जन्म लेकर एक और बड़ा राक्षस बन जाएगा, और फिर देवी तो ममता की मूरत होती है ना। वत्स, महिषासुर कोई सचमुच का असुर नहीं है, यह मनुष्य की विकारी वृत्तियों का प्रतीक है। वास्तव में आज का मनुष्य पूर्व युगों में देवतुल्य था, जिन्हें महिषासुर ने अर्थात विकारों ने अपने वशीभूत कर लिया। इसी कारण मनुष्यों का आज ये हाल हुआ है। वे मनुष्य जो कभी संपूर्ण पावन थे, वे आज पतित बन गए हैं। इन मनुष्यों को पुनः पतित से पावन बनाने के लिए परमात्मा शिव को धरा पर अवतरित होना पड़ता है। परमात्मा शिव भारत की माताओं को शक्ति प्रदान कर उन्हें शिव शक्ति बनाते हैं और विश्व का कल्याण करते हैं। परमात्मा शिव धरा पर पधार चुके हैं वत्स, और हम सभी को राजयोग सिखला रहे हैं। तो अब हमें भी राजयोग के द्वारा अपने जीवन में पांच विकारों को भस्म कर प्रेम, शीतलता, ममता और करुणा जैसे दैवी गुणों को धारण करना है। हमें व्रत अन्न का नहीं अपितु विकारों का करना है। तो इन 9 दिनों के प्रत्येक दिन में किसी न किसी बुरी आदत का व्रत करें। इससे जीवन में पवित्रता स्वतः आ जाएगी, और जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख, शांति और संपत्ति स्वतः आती है। जय हो मां शिव शक्ति की, जय हो, जय हो, जय हो।